हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू माय ऑल व्यूवर्स। हैप्पी। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आप लोग देखो, आज लोकनाथ बाबा का आज बर्थडे था, तो उसका स्पेशल तो बनता ही है। जो मैंने आज मिश्री और मक्खन और पानी और आम मैंने प्रसाद के हिसाब से मैंने दिया है, जो मेरे पास था मैंने वही किया है। मिठाई का दुकान हम लोग का यहाँ से थोड़ा दूर है, तो लाने वाला भी कोई नहीं था, तो मैंने मिठाई नहीं दिया। बट दूसरा जगह मेरा फ्रेंड के घर में पूजा था, तो मैं अपना बेटी के हाथ से मिठाई खरीद के, क्योंकि वो साइकिल लेके गया था, और मिठाई खरीद के और दक्षिणा के साथ वो पूजा दे के आया था। तो अपने घर में मैंने, क्योंकि लोकनाथ का स्पेशल होता है मिश्री और मक्खन, तो यही मैंने देखा है। मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है दोस्त लोग, इसलिए आप लोग बुरा मत सोचना, लेकिन मैंने जो सुना है और जो देखा है मैंने वही दिया। और भगवान के आगे तो कुछ भी नहीं, भगवान को मर्ज़ी भी था। और जानते हो, जब मैं पूजा कर रही थी, मीन्स जब मैं चढ़ा रही थी प्रसाद, तो एक अमेजिंग एक चीज़ हुआ। जो मैंने, जब मैं प्रार्थना कर रही थी, तो भगवान के सामने जो फ्लावर था सिर के ऊपर, वो गिर गया। तो ये एक मिरेकल है, जो एक आशीर्वाद के हिसाब से मिलता है, जो मैं सोचती हूँ कि सब कोई को नहीं मिलता है। जो मुझे आज मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। जो भी आशीर्वाद मिलता है बेस्ट, मैं उसमें से बहुत खुश हूँ और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हो, ये बैंडेड करा हुआ है, ये बहुत पुराना है। ये मेरा ससुर का था, जब मैं पहला शादी करके आया था, तब उन लोगों का फ्रेम था, बहुत अच्छी तरह से रखा था। उसके बाद जब वो ना ख़राब हो गया था कोई भी कारण से, तब वो मेरा ससुर बाहर फेंक दिया था। मैंने उसे उठा के उसको अच्छा से एक फ्रेम में ढुकाया। ढुकाने के बाद मैंने उसको अच्छा से बैंडेड, मीन्स वो जो सेलोटेप होता है ना, सेलोटेप से उसको अच्छा से मोड़ दिया, ताकि कोई, माने उसमें तो कांच भी नहीं है ना फ्रेम में, और वो ढुकेगा भी नहीं, क्योंकि फ़ोटो थोड़ा बड़ा ही था। तो ये देखो मेरा वेलिंगनी माँ, मैंने इसी को भी अपना प्रार्थना करती हूँ। तो सुबह के नहाने के बाद तो मैंने सबको मीन्स दिया जलाया। तो बस आज लोकनाथ बाबा का स्पेशल था, तो स्पेशल के लिए तो स्पेशल ही होना चाहिए, और हर प्रभु को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो एक साथ मैंने सभी को दिया जला दिया, तो मैं तो पूजा करूँगी जब, तो सबको ही दिखलाऊँगी ना धूपकटी। तो आप लोग क्या सोचते हो? यह है मेरा लक्ष्मी माँ, और सभी को मैं एक एक करके धूपकटी दिखला के मैं रख दूँगी। और यह है मेरा छोटा सा नन्ना सा लोकनाथ ठाकुर। मैं, मेरे पास ना एक छोटा एक स्टैचू भी है लोकनाथ ठाकुर, मैं उसको उतारना भूल गया था, तो बाद में मैंने वो जो मैंने ख़रीदा था मेला से, जो लोकनाथ का जो मूर्ति होता है, तो वो ना मैं बाद में रखा था। तो कभी भी फिर वीडियो होगा तो मैं वो ज़रूर देख लाऊँगी, कितना क्यूट है। और मेरे पास सभी, ये ना मेरा मामा ससुर के घर में इसका पूजा था, तो उनके घर शाम को गया था, तो उनका ये मूर्ति है जो लोकनाथ बाबा का आज पूजा किया था। लोग घर में ही किया था, और लॉकडाउन की वजह से किसी को भी नहीं बुलाया, तो बस घर में जैसा होता है बस वैसा ही पूजा किया। लेकिन वो लोग पुरुत मसाई, पुरुत जो होता है, जो पुरुत मसाई जो आके मंत्र पढ़ता है, वो उसी हिसाब से पूजा किया है, जोगो किया है, जो जो करता है पूजा में वो सभी किया है, लेकिन इन्वाइट किसी को नहीं किया है। तो जिसका जो होना चाहिए वो तो करना ही चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो बस इस लॉकडाउन की वजह से इस बार कोई मुझे दावत नहीं दिया, और मैं अफसोस भी नहीं करती, क्योंकि ये भी तो सिचुएशन भगवान ने ही दिया है, तो भगवान ही निकालेगा आई बिलीव। तो वैसे ही थोड़ा मामा के घर गया था, वहीं थोड़ा अच्छा से वीडियो किया, तो बस आज कुछ भी नहीं किया, बाहर गया था, बाहर का वीडियो नहीं किया। तो बस यही है, आज शुरुआत भी लोकनाथ बाबा है और इसका जन्मदिन स्पेशल। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना।